क्लास थर्ड चैप्टर फाइव द कनेरी, जिसका लिंक चैप्टर है हेक्टर हमिंगबर्ड। द कनेरी, कनेरी एक प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत ही मधुर संगीत गाता है। मैरी हैड ए लिटिल बर्ड विथ फेदर्स ब्राइट एंड येलो, स्लेंडर लेग्स अपॉन माई वर्ड ही वाज ए प्रटी फेलो। मैरी के पास एक छोटा पक्षी था जिसके पंख चमकीले और येलो कलर के थे, उसके पैर पतले पतले थे और वह एक बहुत ही प्रटी फेलो था। स्वीटेस्ट नोट्स ही ऑलवेज संग विच मच डिलाइटेड मैरी, वह हमेशा बहुत ही मधुर संगीत गाता था जो कि मैरी को बहुत ही आनंद प्रदान करता था। ऑफिन वेयर हिज केज वाज हंग सी सेड टू हियर कनेरी, अक्सर जहाँ उसका पिंजरा टंगा हुआ होता था मैरी वहीं पर बैठ जाती थी कनेरी को सुनने के लिए। कनेरी जो गाना गाता था उसे सुनने के लिए मैरी उसके पिंजरे के पास बैठ जाती थी। क्रम्स ऑफ ब्रेड एंड डेंटी सीड्स सी कैरीड टू हिम डेली, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े और सीड्स के टुकड़े वह उसके लिए प्रतिदिन लाती थी। सीकिंग फॉर द अर्ली वीट्स शी डैग्ड हिज पैलेस गेली, उसने उसके पिंजड़े को, उसके महल को, पैलेस को यानी कि उसके पिंजड़े को बहुत ही फेस्टिवली डेकोरेट कर दिया था। दिस माई लिटिल रीडर्स लर्न एंड एवर प्रैक्टिस ड्यूली, यह मेरे नन्हे पाठकों को सीखना चाहिए कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है उसकी प्रैक्टिस अधिक करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सॉन्ग्स एंड स्माइल्स ऑफ लव रिटर्न टू फ्रेंड्स हु लव यू ट्रूली, और जो मित्र आपको सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए रिटर्न में हमेशा स्माइल और सॉन्ग्स रखने चाहिए, उनके लिए हमेशा उन्हें रिटर्न में स्माइल देनी चाहिए और सॉन्ग्स गाने चाहिए।